हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द प्योरली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, इसके शॉर्ट टाइप आंसर देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल कॉल आइंस्टीन ए वर्ल्ड सिटीजन, मतलब लोग आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन क्यों बोलते हैं, विश्वविख्यात क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीपल कॉल आइंस्टीन या वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज पीपल आइंस्टीन वर्ल्ड सिटीजन बोलते हैं क्योंकि ही कैंपेन्ड फॉर पीस डेमोक्रेसी एंड वास अगेंस्ट आर मैन बॉम्ब स्पेशली आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शांति और मानवता का प्रचार करने के लिए, ठीक है, जो नागासाकी बॉम्ब हुआ था इसका विरोध किया, ठीक है, इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को एक एतराज़ जताया, ठीक है। वाई डिड आइंस्टीन हेट स्कूल, आइंस्टीन को स्कूल पसंद क्यों नहीं था? ही हेटेड स्कूल रिमिनेशन बिकॉज ऑफ इट एक्सट्रीम सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं था। ही फेल्ट टायर्ड एंड स्पॉइल्ड, ठीक है, वो अपने आप को स्कूल में थका हुआ बेकार मानते थे, ठीक है। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, ठीक है, लोग आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन रूप में कैसे याद रखते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन एज ही वाज डीपली हर्ट ऑफ मास डेजरेशन इन जापान एंड कैंपेन फॉर पीस डेकोमेशी बर फॉर ह्यूमिलिटी, ठीक है, क्योंकि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमला किया था तो आइंस्टीन डेमोक्रेसी और पीस यानी शांति का उपचार, शांति का संदेश दिया और ये कहते मानवता के लिए कार्य करने लगे। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर फ्रैंकलिन रॉबर्ट, और दूसरा क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉबर्ट, ठीक है, अमेरिके को लेटर क्यों लिखा, अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे या बोल सकते हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्हें लेटर क्यों लिखा आइंस्टीन ने। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रॉबर्ट, ठीक है, उन्होंने कहते लेटर लिखा व्हेन द नाजीस वेयर इन जर्मनी एंड ही हैड टू माइग्रेट फ्रॉम फॉर देयर, ठीक है। व्हाट इज द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी? आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, ठीक है, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला दिया जो मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा को व्यक्त करता है, ई बराबर एम सी, ये बेटा सी है, गलत फार्मूला लिखे इधर, ई बराबर एम सी है, ये सूत्र है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये सी है, ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, मतलब आइंस्टीन ने कैसा रिएक्ट किया, उन्हें कैसा लगा? तो आइंस्टीन वाज शॉक्ड एट द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉस्ट बाय द बॉम्बिंग, ठीक है, जो आइंस्टीन थे वो एकदम शॉक हो गए, मतलब बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए। ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उन्होंने बहुत लंबा पत्र यूनाइटेड नेशन को लिखा एंड सजेस्ट डेट देयर शुड अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है, और कहते हैं उन्हें सजेस्ट किया कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है। उसके बाद बेटा अब आ जाइए लॉन्ग पे, राइट डाउन द अचीवमेंट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, देखिए जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने क्या अपनी लाइफ में पाया, ठीक है। आइंस्टीन वाज अ रियली साइंटिस्ट जीनियस, ठीक है, वो एक जीनियस साइंटिस्ट है। ही फेल्ड एट होम इन मैथमेटिक्स बट ही शो कीप इंटरेस्ट इन फिजिक्स, वो मैथ में अच्छे थे लेकिन उन्होंने अपना सारा इंटरेस्ट किस में दिखाया, फिजिक्स में दिखाया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख ही स्टार्टिंग वर्किंग बायोलॉजी विद द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ही वाज वर्किंग ऑन रिबिलिटी आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही रिमेन जॉबलेस सो ही ग्रेव प्राइवेट लेसन ही इन 1902 ही सिक्योर एज ए जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन वेरा वट ही वेंट ऑन डेप्लोइंग हिज ऑन आइडिया द वर्ल्ड शो ऑन हिम ऑनर एवोल्यूशन ही वॉज ऑनर्ड विद नोबल प्राइज इन 1921, ठीक है। आइंस्टीन वॉज अनयूजल चाइल्ड विद नो इंडिकेशन ऑफ ऑन हिज पोटेनियल ग्रेटनेस कमेंट, ठीक है, कमेंट के बारे में बताइए तो देख लीजिए। आइंस्टीन हेड वाज लार्जर देन द यूजुअल हेड ही वाज कॉल्ड ब्रदर वोरिंग बिकॉज ही नेवर मिक्स अप विद हिज क्लासमेट, ठीक है, जो मतलब उनका जो सर था बड़ा था, ठीक है, और जो उनके जो क्लास कहते उन्हें जो आइंस्टीन थे उन्हें लोग क्या कहते थे, बोरिंग
बोरिंग ब्रदर कहते थे, क्योंकि ही नेवर मिक्सड अप हिज क्लास में, क्योंकि वो अपने जो क्लासमेट थे सहपाठियों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाए थे। ही लेफ्ट स्कूल बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द स्ट्रिक्ट रेजिमिनेशन। ठीक है, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वो इतने सख्त सख्त बोल सकते हैं रवैये, या फिर बोल सकते हैं सख्त जगह पर नहीं रह सकते थे। ही लेफ्ट मैकेनिकल टॉय एंड थॉट हिज सिस्टर टू बी अ टॉय। ठीक है, उन्हें मैकेनिकल टॉय इलेक्ट्रॉनिक खिलौने पसंद थे। ठीक है, हेड मास्टर टॉट हिम टू बी स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग एंड डैट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, जो वहाँ का हेड मास्टर था उन्होंने क्या सोचा कि ये कभी ये एक बेकार है, बेवकूफ़ है, ठीक है, और इसके लिए ये अच्छा नहीं है और ये कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। ही आल्सो टोल्ड आइंस्टीन फादर, उन्होंने आइंस्टीन बाब ये भी कहा, डैट वेन एवर प्रोफेसर ही चूज वुड नो मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीवन। ठीक है, ये कोई बात नहीं कि यहाँ ये किसी भी चीज़ प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन ये कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, कोई सफलता नहीं पा सकता। दिस प्रूव एस्टीन बाद अनयूजल चाइल्ड विद नो इंडिकेशन ऑफ हिज प्रोटेंडेड ग्रेटनेस। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का पूरा आपका आंसर है। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, किसी भी सब्जेक्ट की आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।